कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। के पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है माँ का आशीर्वाद और प्यार, और वो आज मिल रहा है इन बच्चों को। आई एम सो हैप्पी, वेलकम टू ऑल द मदर्स।
सभी माओं को तुमने जो ट्रिब्यूट दिया और ये एहसास हम सभी के अंदर है, माँ सब कुछ है, माँ सृष्टि है, माँ प्यार है, माँ इबादत है, माँ सब कुछ है, माँ से शुरू होता है, माँ से ही अंत होता है। इतना खूबसूरत गाया तुमने। मैं भी मेरे मामी को बहुत चाहता था। सारे मामियाँ जो है तुमको बहुत दुआएं देगी। तुम्हारी माँ जहाँ पर कहीं भी है वो तुम्हें बहुत भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे ऊपर उनका साया है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द फिनाले। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं पीयूष की माँ हूँ। वैसे इंडियन आइडल भी मेरे पीयूष के लिए एक माँ की तरह है, जो एक नए पीयूष को जन्म दिया। मुझ पर दिल चाहता है। मैंने तो इसको स्माइल वाला पीयूष भेजा था, आपने इसे स्टाइल वाला पीयूष बना दिया। एक तरह पीयूष था, एक तरह पीयूषी थी। अब तो ये एक्टिंग भी करता है, नाचता भी है और गाता भी है। सुन बंडी, सर सर थोड़ा फैन वैन चालू कर। इस इज ऑन सर। हाँ तो इधर घुमाना यार। हमारा पागलपन पावर स्टार पीयूष इज रेडी। अब तुम मेरे पास होता तो मैं रोज तेरे एक काला टीका लगाती, क्योंकि अब तू ऋतिक रोशन से कम नहीं लगता है। तो मैं गर्व से अपने राम को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, तो स्वागत कीजिए पीयूष पवार का।
तेरी राह तक अखियां जाने कैसा कैसा हो गया धीरे धीरे आंगन तेरे अंधेरा मेरा दीप कहां ढल के सूरज का इशारा चंदा तू है कहां मेरे चंदा तू है कहां How he controlled his emotions and sang. My professional God. Professional means. Yeah. Oof. Isko professional bolte. Wow. Bahut achha. My God. My God. Namaskar. Namaste. Namaskar. Piyush, आपका reaction क्या था गाने के बीच में जब आपने अपनी मम्मी को यहाँ पर देखा? मेरा तो मैं shock हो गया था. मैंने सोचा अब आगे मैं कैसे proceed करूँगा. आपके लिए नहीं हम लोग सब तीनों ऐसे चौंक गए थे कि अब करे तो करे क्या कहें तो कहें क्या ये गाएगा आगे के और मैम आपने भी क्या मौका चुना आने के लिए गाने का सबसे कठिन भाग जो है उसमें आप आ गई कैसे तुझको दिखाऊं यहां है क्या इसने छोड़ा नहीं मतलब मैं अगर होती वहां पर मैं रुक जाती या मैं रो पड़ती ये प्रोफेशनलिज्म जो बोलते हैं ना वो पीयूष कमाल है आए मैं दाद देती हूँ इस बात की कितना वक्त हो गया है पीयूष से मिले हुए 8 महीने हो गए तो फाइनलिस्ट है तो इतना बड़ा दिन है तो मुझे आना ही पड़ा तो बदला बदला लगता है हीरो जैसे लगता है ऋतिक रोशन से कम नहीं लगता है ये क्या बात है वाह मैं इसको राम बुलाती हूँ प्यार से ये मेरा राम जैसा ही है एकदम सीधा साधा कभी किसी बात के लिए मुझसे नहीं बोलता है मुझे ये दो ये वो दो बहुत ही अच्छा है मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा है पीयूष मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने हाथों से अपने मम्मी को आपके नाम का सैश पर पहनाए जचरी आप क्या बात है जबरदस्त I'm not
गाना ऐसा गाना है ना, ओह ये गाना है तो लोरी, पर आई थिंक एज अ सन आई फील कहीं ना कहीं ये गाना एक थैंक यू जैसा गाना है. माँ का अगर हाथ है सर पे सब कुछ अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है लाइफ में. उस इमोशन को आप इतने बेहतरीन तरीके से इस गाने में लाए. आप उस्तादों वाली गायकी रखते हैं, पर इस तरह की गायकी में आपको इतना डूब के गाते हुए देखने में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. हर जॉनरा का गाना तुम गा सकते हो, ये तुमने प्रूव कर दिया. मामी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मामी जी आप अपने बेटे के लिए अपने मुंह से हिट से ज्यादा लिट है ये बात आपको बोल. परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है. मैं तो यही चाहूंगी कि शुभो इतना बड़ा एक दिन है आज, मम्मी का एकेडमी खुल गया, तो एक कुछ गाओ ना तो फिर तो मात बन जाएगी. पापा और मम्मी ने जो मुझे राग यमन सिखाया था बचपन में, तो उसमें ये गाना सुनाता हूँ उस राग की. वाह क्या बात है. My God,
क्या बात है। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में मौला मौला। क्या कैपेबिलिटी है इस लड़के का। दर्द के अंधेरों से आगे उजालों में इश्क के चराहों पर नूर है ख्यालों में। जब आप पहली बार माँ बनी और पहली बार जब आपने अपने बच्चे को अपने हाथों में लिया, क्या एहसास, क्या महसूस कर रही थी उस वक्त? क्या मैं इन चीज़ों को बयां करना बड़ा मुश्किल है। फाइनली जिसको 9 महीने उसके किक्स को फील किया, उसके साथ बातें की, उसके साथ गाने गाए, फिर वो अपने गोद में आ गया। मैं बहुत सोच रही थी कि मैंने विच वॉज माई हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं ये माइलस्टोन, वो अवार्ड्स, ये गाने, ये दोस्त, ये मुकाम, पर फिर वो आया ना तब लगा कि ये सब फीका पड़ गया उसके सामने। दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल डे, मोस्ट फुलफिलिंग डे, और ऐसा लगा था कि ये पूरा जीवन जो भी अब तक जिया था इस दिन के लिए जिया था। और मैं अब समझती हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए क्यों ऐसा करती है, हर दिन क्यों उसका हर पल मेरे लिए समर्पित है। ये माँ होती है और कुछ नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.